लेते हैं बड़ी माली, पहले कौन लेते हैं, हमारे चिंकू अंकल लेंगे कि राजा चाचा लेंगे। यहाँ पे ट्रैक्टर डूब गया था हमारा, अंकल थोड़ा जानते भी हैं तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भोलेनाथ की जय हो। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अपने घर। तो स्वागत है आज के ब्लॉग में आपका सभी का। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अपना 6:38 में। तो आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि छिप्पे कैसे की जाती है। तो ऐसे तो आपको पता ही होगा मेरी पहली वीडियो में खेतों का काम चला था इस टाइम। तो मैं एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया कि खेतों में था कि फ़ोन पकड़ने की भी टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा है इस बहाने से आपको भी बता देंगे कि छिप्पे क्या होती है। मैं रेडी हो चुका हूँ खेतों की जाने के लिए। तो पहले मैं जाऊँगा तेल लेने, पेट्रोल लेने जाऊँगा। आज है एक ट्रैक्टर है और एक है दान वाला चाचा है हमारे सिंह अंकल। तो आज रात को काफ़ी बारिश हुई थी बड़े ज़ोर से, तो मौसम ठंडा हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं मौसम, कुछ इस तरह का मौसम हो चुका है। देखो बिल्कुल जो पक्षी हैं चलाते हुए बड़े आराम से। और मैं खेत में पहुंचने वाला हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी पहले गया था तेल लेने, पेट्रोल लेने गया था। तो अब तक कोई भी नहीं आया हुआ है यहाँ पे। तो आज रात को जो बारिश हुई उसका जो पानी है, कुल का पानी, वो आपको बताता हूँ। देखो ये गन्ने की रस किधर हो गया ये पूरा पानी। तो यहाँ का व्यू देखो आप, आज बारिश के कारण कितना सही लग रहा है, हरा भरा हो चुका है। और ये अली कॉलोनी फौजियों की कॉलोनी है, ये नई कॉलोनी बनती है यहाँ पे पूरे जो भी घर है यहाँ पे पूरे फौजी भाई हैं, अपने नए घर डले हुए हैं यहाँ पे। एक घर का यहाँ पे भी लगा हुआ है काम, और ऊपर बादल। तो पहुँच चुके अपने खेत में। तो ये वाला खेत है, यहाँ पे लगाई इस बार हम चेप लगाएंगे इस बार। तो ऊपर बताते हैं जो हमने रिमांड लगाया था इस टाइम कितना हो चुका है। आज मौसम बहुत सही है, दो तीन दिन से मतलब तीन चार दिन से काफ़ी गर्मी हो चुकी थी। तो यहाँ पे लगाया था हमने रून के लिए फैन। तो 4-5 दिन हो चुके हैं निकलने वाला ये, तो पानी ज़्यादा इसके अंदर दिखेगा नहीं, तो ऐसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो निकल गए हैं इसके बीज, और कुछ इस तरह। पानी फुल हो चुका है, फुल। अब वेट हो रहा है चाचा जी का, राजू चाचा और चिंकू चाचा जी का। गाइस मैंने अपनी पूरी पीठ द्वारा से डाल ली हुई है, और चाचा जी भी आ गए हमारे, यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस सिंबल के पास। यहाँ से ट्रैक्टर लेके आना, ये दिख रहे हैं ना चाचा जी। और इस तरफ चिंकू अंकल भी यहाँ पे बैठे हुए, चिंकू चाचा और पापा जी भी बैठे हुए मेरे।
ये बैठे हुए चिंगू अंकल और पापा जी और साथ में आदू है। आदू आदू क्या कर रही है? आदू आदू हेलो कर दे। हेलो करना, बाय बाय कर दे। हमारे राजा चाचा भी पहुंच चुके हैं अपने खेत में, तो वहां से ट्रैक्टर लेके आने पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैक्टर आने की थोड़ी दिक्कत है। हमारे मोनू भाई हैं, तो ये इनका रो है ना, ये लुंगे फेंक रही है। यहाँ पे देखो लुंगे लग चुकी है इनकी, और ये इनके पापा जी, और ये हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं चिंगू अंकल जी, तैयारी कर रहे हैं पूरी। गाइस हमारे राजू चाचा लग पड़े हुए हैं काम में, और साथ में हमारे टीचिंग अंकल भी आ चुके हैं। तो आज जो हल का काम करेंगे ये राजू चाचा करेंगे, और जो इसकी मिट्टी मच लगाना है वो हम करवाएंगे, दांतों के साथ करवाएंगे। हो चुकी है यहाँ भी माच लेके दिखाते हैं आपको, कैसे फुलाते हैं माच को। तो ये बढ़ चुके हैं अंदर पानी के अंदर, और देखो ये माच है, और ये हमारे अंकल जी देखो कुछ इस तरह चलते हैं लेके, मिट्टी लेके जाते हैं, तो बराबर करते हैं प्लेन। ट्रैक्टर से नहीं होता ये जो बैल से ही होता है। आप मिट्टी लेके आएंगे, देखना बताऊँगा। ये देखो मिट्टी लेके आ रहे हैं, पिछली मिट्टी सारी लेके आएंगे। ये देखो पाँव रख रहे हैं इसके ऊपर, मिट्टी लेके आएंगे। सारी मिट्टी यहाँ पे जाएगी, आगे मिट्टी होती है। गाइस आज देखेंगे हम
बड़ी माली कौन लेगा, चिंगू अंकल लेंगे कि राजू चाचा लेंगे? तो मुकाबला टक्कर का है, तो बराबरी है। तो थोड़ी देर के बाद बताते हैं आपको मुकाबले का। इस आज के लेके आए हैं जो धान का बीज है, तो पहले उतार लेते हैं। इसके अंदर ये है, कुछ इस तरह घूम चुकी है ये, देखो लग पड़े हैं ये भी। बताता हूँ आपको, ये देखो पास से ये लग चुके हैं। एक और ये भी है, इसके और भी अंदर भी ये है। इसके अंदर भी, और इस बोरू के अंदर भी धान है बासमती। और ये बैठे हुए हैं बाकी के लोग, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब तक थोड़ा काम किया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, आदू भी आ रही है अपनी मम्मी के साथ रोटी लेके। और आज बबली भी आई है, मेरी सबसे छोटी सिस्टर, तो ये खाना लेके आ गए हैं। हेलो हेलो आदू, खाना आ चुका है, पहले खाना खा लेते हैं। तो आज खाने में बना है भिंडी और साथ में अरबी, और ये फुलके, और ये चाचा जी खा रहे हैं। यहाँ भी चिंगू अंकल जी और लंबर अंकल के पापा जी, मम्मी खिलाने वाले हैं। गाइस हमने खाना खा लिया था और उठ रहे हैं अंकल नीचे अपने गदरू और उसके पास, तो उनके लिए भी हम लड्डू लेके आए हैं। जो कि डाला है हमारे पास, उनको भी देंगे, थोड़ी उनके अंदर भी थोड़ी शक्ति आएगी तो आगे काम करेंगे। नहीं तो चिक्कड़ के अंदर जोर वोड़ा लगता है, नहीं तो उसमें नहीं लगता है, गलती इसमें बिना पानी में नहीं लगता है। यह डाला तो वैस ही है, इसके बनेंगे लड्डू डाले के, ऐसे बनाऊंगा छोटे छोटे, तो फिर गदरू और तेली को खिलाने के लिए। तो मैं तो नहीं खिलाऊंगा, अंकल खिलाएंगे। गाइस तो बड़ी देर के लगे हुए हैं हम, तो पहले चाचा जी का जो ट्रैक्टर के हल थे वो भी नहीं डूब रहे थे, इसके अंदर चल रहे नहीं थे। तो फिर हमने किया जो इसके चलते माचिस थे, माचिस के साथ, तो अब वो लगाए हुए हैं। तो पानी ज़्यादा था, पानी पहले कम था उसकी वजह से नहीं चल रहे थे, पानी ज़्यादा किया उसकी वजह से नहीं चले। तो फिर चाचा उल्टे माचिस लेके आते हैं, फिर माचिस लेके आए हैं, तो अब बताते हैं आपको माच के साथ कैसे चलता है। मतलब देखो माच के साथ ऐसे चल रहा है इस तरह, ये अंकल थोड़ा जानते भी हैं, तो ठीक नहीं हो रहा था ट्रैक्टर हमारा। अंकल ये पुजारी हैं, अब अंकल बोल रहे हैं मेरे को आते थोड़ा तो करवाएंगे शायद ठीक। सुट दो अंकल जी, हाँ शायद इतनी से बोलिए थोड़ा, हाँ ये सुटी तो अंकल बनाया मंत्र हूँ राजू जाच स्टार्ट करा ट्रैक्टर थोड़ा चली पौना। चिंगू अंकल दूनी बनाई थी, दू बनाया था, तो राजू चाचा वो धूप लगा रहे हैं।
क्या पता किसी ने कुछ कर दिया होगा मंत्र तंत्र उसके लिए। जयनाग राजा जी को जयनाग की दोनों कामयाब हो जाए और ट्रैक पे चल पड़े जल्दी जल्दी जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना सही है। गाइस एक बार फिर से हमारे गजरू और तेली और हमारे चिंगो अंकल ने माली ले ली हुई है बड़ी माली। तो यहाँ पे ट्रैक खराब हो चुका है, ये वाला ट्रैक्टर खराब हो गया है तो मशीनरी है खराब हो सकती है, कभी भी खराब हो सकती है। तो फिर हमने चिंगो अंकल को बोला आप ही हल चलाओ और आप ही मत चलाओ। तो ट्रैक्टर तो छोड़ गया साथ और गदरू और तेली ने भी छोड़ा और चिंगो अंकल ने, तो अब यही चला रहे हैं। आधा चेंज किया था तो उसके बाद हमने फिर इसको रेस्ट दे दी। रेस्ट किया इसके अंदर को पानी 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 के साथ बन चुका है इसका पत्नी पानी था इसके अंदर वो निकाल दिया। तो गाइस पहले हम खेत में ये इस बार गोबर भी फेंका ना, टाइम नहीं मिला तो 16-12 बत्ती फेंक रहे हैं। ये भी एक गोबर होता है, गोबर की जगह देता है 16-12 बत्ती। तो ये चाचा फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो पहले 16-12 बत्ती फेंकेंगे खेत में। देख सकते हो आप कि ये लुंगे लगाएंगे अब अंकल जी जा रहे हैं अंकल लगाने के लिए। तो यहाँ पे चिंगो अंकल जी लगा रहे हैं इस बार बासमती भी जिनको हम लोंगे बोलते हैं। गाइस आज काम खत्म कर लिया है, टाइम बड़ा हो गया। बोलो टाइम कितना हुआ? 3:23 हो चुके हैं। तो सुबह उठा था मैं 5 बजे, तो पहले ट्रैक्टर ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा ठीक किया, फिर ख़राब हो गया, तो फिर लास्ट में दादी आए काम गदरू और तेली। तो अब चलते हैं पहले नहा लेते हैं। तो गाइस मैं नहा के आया, ऊपर की तरफ देखो सूरज कहाँ पे आ गया है, तरफ सूरज आ गया है। तो शाम की 4 बज चुके हैं। तो गाइस आपको मेरा आज का ब्लॉग सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय भोलेनाथ की जय हो, फिर मिलते हैं जल्दी ही।